माई नेम इज़ उर्वी गोयल और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन ऑन फंक्शंस तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो प्राइम से बेस्ड है हमें यूजर दो नंबर्स देगा ए और बी और हमें उनके बीच के जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट करने है तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है बट आज हम करेंगे यूज फंक्शन एंड विल सी हाउ यूज फंक्शन हमारा कोड जो है वो और रीडेबल और ईजी हो जाएगा तो सबसे पहले हम यूजर से दो नंबर ले लेते हैं ए और बी ठीक है और इसके बाद हम एक लूप लगा देंगे जो कि चलेगा ए से लेके बी तक तो अब यहाँ पे हर आई के लिए हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं तो हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे ठीक है और यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग लूप फॉर एवरी आई हम क्या करेंगे एक फंक्शन बना देंगे इस प्राइम करके और उसमें हम भेज देंगे अपना नंबर तो अगर इस प्राइम हमें ट्रू देता है मतलब कि वो नंबर प्राइम है और उस केस में हम नंबर को प्रिंट कर देंगे ठीक है तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रू हो क्योंकि जो इफ़ में जो हम कंडीशन डालते हैं वो खुद चेक करता है कि वो ट्रू है या नहीं और हमारा जो फंक्शन है वो बुलियन वैल्यू ही सेंड कर रहा होगा तो यहाँ पे इतना भी सफाइश होगा अब हमें लिखना है अपना फंक्शन तो जैसे कि आई सेड हमारा ये बुल फंक्शन होगा जो कि ट्रू या फॉल्स भेज रहा होगा ठीक है यहाँ पे हम एक नंबर भेजेंगे int num कर देते हैं इसे और हमें num के लिए चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं तो उसके लिए हम एक लूप लिखेंगे जो कि स्टार्ट करेगा टू से लेकर और ये जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एन तक नम तक तो इसका लॉजिक हमें पता है ठीक है तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे इस कंडीशन के थ्रू कि अगर कोई भी न, आई नम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कि वो नॉन प्राइम है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स है ना और अगर ये फंक्शन ये लूप फॉर लूप हमारा पूरा कंप्लीट होता है इसका मतलब ये है कि वो एक प्राइम नंबर है और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू ठीक है तो यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन हिट होती है इफ़ वाली तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स होते ही हमारा फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे यहाँ पे हमें ब्रेक कंडीशन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये हमारा हो गया कोड इसको रन करते जल्दी से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टेन और ट्वेंटी तो टेन और ट्वेंटी के बीच में हमारे जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेबुनाकी पे तो फेबुनाकी एक सीक्वेंस होता है ठीक है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होता है दैट इज़ द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट और सेकेंड टर्म हमें पता होगी कि वो ज़ीरो और वन है हम थर्ड टर्म निकालेंगे पहले ज़ीरो और वन को ऐड करके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करके एंड सो ऑन हम करते रहेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा एक नंबर एन और हमें एन टर्म्स जो है फिबुना की सीक्वेंस की प्रिंट करनी होगी ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो हम हमें काम करते हैं हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देते हैं फिबुना ठीक है जो हम लिख रहे होंगे अभी और ये जो फंक्शन है ये एन टर्म्स हमारे फिवोनाक की सीक्वेंस के प्रिंट कर देगा तो यहाँ से हम फंक्शन से कुछ मंगवा नहीं रहे हैं ठीक है कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे वो सीधा प्रिंट कर देगा तो हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो वॉइट टाइप का हो जाएगा यहाँ पे हम भेजेंगे नंबर एन जहाँ तक के हमें फिवोनाक वो लिखना है ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इंट टी वन टर्म वन जो होगी हमारी वो होगी ज़ीरो राइट और जो सेकेंड टर्म होगी वो हमारी होगी वन और एक वेरिएबल बना देते हैं नेक्स्ट टर्म करके अब यहाँ पे हमें एक लूप लिखना पड़ेगा जो कि चलेगा वन से लेकर एन तक क्योंकि हमें एन टर्म्स प्रिंट करनी है तो हम आई इज इक्वल टू वन टू लेस देन इक्वल टू एन तक लूप चलाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे वो क्या होगा टी वन प्लस टी टू एक बार ही हमने नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लिया अब हमें टी वन और टी टू को आगे बढ़ाना है तो क्या होगा कि टी वन जो है वो टी टू बन जाएगा और जो टी टू है वो हमारा नेक्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा और उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लेंगे तो ऐसे हमारा लूप चलता रहेगा तो हमारे पास सारे जो एन टर्म्स हैं फिबनाकी के वो आ जाएंगे तो अब यहाँ पे हम प्रिंट कहाँ पे करवाएंगे हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे टी वन को ठीक है जो कि पहले ज़ीरो होगा फिर उसके बाद वो वन होगा फिर जीरो और वन को ऐड करिए फिर वो वन होगा एंड सो ऑन वो चलता रहेगा तो हम यहाँ पे टी वन और लास्ट में हम सिर्फ रिटर्न लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया फंक्शन एंड इसको रन करते हैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फाइव तो ये जो हमारे फाइव फर्स्ट फाइव टर्म्स हैं फिर बना के सीक्वेंस के वो प्रिंट हो चुके हैं ठीक है इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल क्वेश्चन तो फैक्टोरियल क्या होता है यार फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एन इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एन विद ऑल दी नंबर्स दैट आर लेस देन इट ठीक है तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो हम वन से स्टार्ट करते हैं और वन से स्टार्ट करके हम हर एक नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते रहते हैं टिल एन तो अगर मेरे को फैक्टोरियल ऑफ थ्री निकालना है तो वो हो गया वन इंटू टू इंटू, इंटू थ्री ठीक है तो यहाँ पे हमें इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर इनपुट ले लेंगे यूज़र से उसके बाद हम यूज़र से जो है फैक्टोरियल मंगवा लेते हैं जो कि हमारा आंसर होगा और इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम एन जो है पास करेंगे और फिर हम इस आंसर को प्रिंट कर देंगे तो फैक्टोरियल के लिए फंक्शन लिखते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन जो होगा वो हमें इंट टाइप जो है रिटर्न कर रहा होगा यहाँ पे हम लेंगे इंट एन और यहाँ पे हमें भेजना है उस नंबर का फैक्टोरियल तो उसके लिए एक वेरिएबल कर लेते हैं फैक्टोरियल इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम वन से ठीक है क्योंकि वन से लेकर हमें एन तक को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम लगा देंगे एक फॉर लूप इसको हम स्टार्ट कर देंगे टू से और ये चलेगा n तक तो अब हमें क्या करना है हर आई को फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते रहना है ठीक है तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इन टू आई ठीक है और अगर मैं इसको ईजी उसमें लिखूँ यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैं इसको सीधा ये भी लिख सकती हूँ तो ये वही हो गया सेम जो मैंने पहले लिखा था और यहाँ पे एंड में हम रिटर्न कर देंगे फैक्टोरियल तो हमें n का फैक्टोरियल मिल जाएगा ठीक है तो ये था फैक्टोरियल का फंक्शन काफ़ी इजी इसके बाद एक बार रन करके देखते हैं इसे वैसे फैक्टोरियल ऑफ फोर सो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर दैट्स आर आंसर राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी कोफ़िशेंट वे हमें कैलकुलेट करना है एन सी आर एन सी आर का यार फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू टू एन माइनस आर फैक्टोरियल तो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल निकालना है पहले एन का फिर आर का और फिर एन माइनस आर का तो यहाँ पे हमने जो लास्ट क्वेश्चन में फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा था वो हमें बहुत यूजफुल आएगा क्योंकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे एन और आर राइट right? और हमारा जो आंसर होगा वो हम निकाल रहे होंगे फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ आर इनटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर राइट और इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट्स में तो हमारा जो सेम फंक्शन है फैक्टोरियल फाइंड करने का वो हम तीन बारी कॉल करेंगे और ये हमें रिटर्न कर रहा होगा कुछ इंट इसमें भेज रहे होंगे नंबर एन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरह हम फंक्शन लिख लेंगे ठीक है तो हमें यहाँ पे ये वाला पूरा कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम फंक्शन को ही बार बार कॉल कर सकते हैं राइट right? और यहाँ पे एंड में हम अपना आंसर जो है वो सी आउट कर देंगे ठीक है रन इफ आई से फाइव टू गिव्स मी एंड सी अगर आप निकाल के देखेंगे फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इनटू टू टू फैक्टोरियल तो वो टेन ही आएगा राइट right? तो दिस वॉज़ वन क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दैट दिस इज़ कॉल द पैस्कल ट्राइंगल जो कि हमें प्रिंट करना है तो ये पैटर्न क्वेश्चन ही हो गया तो so, यहाँ पर हमारी रोज जो हैं वो वन टू एन चलेगा जो हमारे कॉलम्स हैं वो वन टू द रो नंबर जो भी होगा अगर हम आई से नोट करें तो वन टू आई चलेगा ठीक है और अगर हम हर एक एलिमेंट को देखें यहाँ पे तो ये जो हर एक एलिमेंट है दीज आर एक्चुअली बाइनोमियल कोशंस ठीक है तो जो पहला हमारा टर्म है दैट इज़ ज़ीरो सी जीरो देन सेकेंड रो में वी हैव वन सी ज़ीरो एंड वन सी वन देन नेक्स्ट रो में वी हैव टू सी जीरो टू सी वन टू सी टू नेक्स्ट रो में थ्री सी जीरो थ्री सी वन थ्री सी टू थ्री सी थ्री एंड सो ऑन राइट तो अगर हम यहाँ पे रोज़ को आई से डिनोट कर रहे हैं और कॉलम्स को जे से तो हम हर एक टर्म को लिख सकते हैं आई सी जे राइट तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसमें एनसीआर निकाल रहे होंगे लेकिन एनसीआर हम निकाल रहे होंगे हर एक टर्म के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे एन जो कि डिफाइन करेगा कि हमें कितने रोज़ तक चाहिए अपना पैटर्न फिर रोज़ के लिए हम फॉर लूप लिखेंगे जो कि चलेगा ज़ीरो से एन तक इसके बाद हमारा एक और फॉर लूप आएगा जो कि चलेगा कॉलम्स के लिए और ये होगा जीरो से लेकर i तक राइट क्योंकि अगर आप देखें तो अगर i इज इक्वल टू वन है तो उस रो में हम पहले कर रहे हैं आई सी जीरो एंड देन आई सी वन राइट तो j चलेगा लेस देन इक्वल टू i तक और यहाँ पे हर टर्म के लिए हम फाइंड कर रहे होंगे आई सी जे तो उसके लिए हम लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ i डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ j इंटू फैक्टोरियल ऑफ i माइनस जे विल सम स्पेस तो इसको मैं ब्रैकेट्स में डाल देती हूँ और हर एक रो खत्म होने के बाद हम कर देंगे लाइन ब्रेक उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लिख लेंगे यहाँ पे अपना फंक्शन तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल और हमारा पैटर्न जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए लेट्स रन दिस फाइव तो वी हैव फाइव रोज राइट तो दिस इज पास्कल ट्राइंगल जो हमने प्रिंट करके देख लिया है सो दीज ऑन फंक्शंस आप लोगों ने देखा कि फंक्शंस के यूज से हम कैसे अपने क्वेश्चंस को Easily kar paare, we don't have to write redundant code, and also it's very easily understandable, right? So, make sure to practice more questions on functions, and I'll see you next video. Thank you.